Xiaomi, Oppo और Vivo 2021 में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ गई। पिछले साल दिसंबर में डिस्प्ले रिसर्च और DCSS के प्लेटफॉर्म की जानिब से इंकशाफ किया गया कि OMPO, Vivo, Google और Xiaomi जैसे OEMs अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं जो कि 2021 में लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके बाद पिछले हफ्ते चीन की सबवे पर सबसे बड़ी एक अहम खबर सामने आई कि क्रीज वाला फोन भी इस साल देखने में आ सकता है। अब एक और डिजिटल चैट सेशन की नई तफसीलात सामने आई हैं कि चीनी OEMs जिनमें Xiaomi, Oppo और Vivo शामिल हैं, वो अपने फोल्डेबल हैंडसेट्स के साथ इस साल कई फ़ोन को लॉन्च करने को शेड्यूल कर चुके हैं। तमाम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इस साल के आखिर तक फोल्डेबल फोन मार्केट में लाने के लिए पुराज़म हैं। आइंदा फोल्डेबल्स के बारे में मजीद मालूमात के हवाले से तो नहीं बताया गया, ताहम ये ज़रूर बताया गया है कि फ़ोन एक हतमी तौर पर प्रोटोटाइप होगा, चूँकि ऐसे आले के अंदर एक बड़ी क्रीज मौजूद होगी और ये ज़्यादा जाज़बे नज़र नहीं होगा। आइंदा डिवाइसेस के हवाले से मालूमात में बताया गया है कि लेक्सटर सैमसंग और इसके बैरून मुल्क भेजे जाने वाले फोल्डेबल डिस्प्ले के बारे में ये कहा गया कि कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि रवां बरस चीनी OEMs जिसमें Xiaomi, Oppo और Vivo शामिल हैं, ये अपने फोल्डेबल फ़ोन ले आएंगे जो कि Samsung Galaxy Fold को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। बहरहाल कंपनीज की जानिब से इसकी कोई हतमी तायीद या तरदीद नहीं की गई।